20 जनवरी को प्रवर्तन निदेशालय ईडी के अधिकारी झारखंड के मुख्यमंत्री से पूछताछ करने के लिए मुख्यमंत्री आवास गए थे। इसी दौरान मुख्यमंत्री आवास के आसपास सुरक्षा के दृष्टिकोण से निषेधाज्ञा लागू की गई थी। कुछ दूरी पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता भी लगातार डटे हुए थे। वहीं सीआरपीएफ के में भी तैनाती की गई थी। सीआरपीएफ पर स्थानीय गोंदा थाना में FIR दर्ज किया गया है। इसी विषय पर पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा, यह पूरी तरह से सरकार की विफलता को दर्शाता है। सीआरपीएफ का आने का औचित्य इस बात को लेकर था कि अत्यधिक भीड़ आखिर मुख्यमंत्री आवास के पास क्यों थी। वहीं भ्रष्टाचार के मुद्दे पर राज्यपाल ने कहा कि भ्रष्टाचार एक प्रकार का समाज में कैंसर की तरह है, इसे हम सभी को मिलकर एक साथ खत्म करना चाहिए। CRPF is one. Why CRPF is coming? Unnecessarily large gathering in front of the CM's house that has been organized. That's why CRPF has to come. It is this government's mistake, this party's mistake. This type of attitude should be stopped. Sir, what is your message to the fellow citizen on the public day? Only one single message. Corruption is the cancer of the society. We all must work together to eradicate corruption. If you want the real development, quality roads, quality buildings, quality government houses, then we have to eradicate corruption. There is no other way. Thank you.